नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लगे लाउडस्पीकर से बजने वाले मंगला चरण और विष्णु सहस्त्र नाम की आवाज अब सुनाई नहीं देगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर प्रबंधन ने भागवत भवन के शिखर पर लगे लाउडस्पीकर अब बंद कर दिए हैं। यहाँ पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज से ही दिनचर्या शुरू होती थी। लाउडस्पीकर को लेकर अब चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर में ही सीमित रखने को कहा गया है। सरकार के इस आदेश के बाद मंदिर प्रबंधन ने बुधवार को मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर बंद कर दिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर में स्थित भागवत भवन के शिखर पर लाउडस्पीकर लगे हैं। यहां दिन की शुरुआत के साथ ही प्रतिदिन करीब एक से डेढ़ घंटे तक मंगला चरण एवं विष्णु सहस्त्र नाम की ध्वनि बजती थी। लाउडस्पीकर पर बजने वाली अब ध्वनि आसपास के क्षेत्र में दिनचर्या शुरू करती थी, लेकिन बुधवार को लाउडस्पीकर पर ये मंगला ध्वनि नहीं सुनाई दी। मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है। हमारे तो शास्त्रों में ये है कि चाहे हमें कथा पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर कथा सुन लो तो भी हमें बराबर ही पुण्य मिलता है। तो स्पीकर बजने चाहिए, चाहे कम आवाज़ में बजे, दूसरों को परेशानी ना हो, लेकिन ये कानों में सबकी आवाज़ जानी चाहिए। संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे 25 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया, जिस पर किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। बता दें कि एक माह के अंदर लगभग हजारों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ये पूरा मामला बलुआ थाना क्षेत्र के प्रभुपुर गाँव का है। आगामी त्योहार और 23 अप्रैल को फिरोजाबाद के टुंडला नगर में निकलने वाली अंबेडकर शोभा यात्रा को लेकर बुधवार को थाना टुंडला में उप जिलाधिकारी टुंडला परसनाथ मौर्य और एसपी सिटी फिरोजाबाद मुकेश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। पीस कमेटी की बैठक में नगर के सभी धर्म गुरुओं और नगर के सभासद सहित संभ्रांत व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में उप जिलाधिकारी टुंडला पारसनाथ मौर्य ने सभी से आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ निभाने की अपील की। सर्किल टुंडला क्षेत्र के समस्त सम्रांत नागरिकगण और धर्मगुरुओं को आज बुलाया गया था यहाँ और उनकी एक मीटिंग की गई है। उन सभी को शासन के निर्देश निर्गत किए गए हैं और आगामी ईद का पर्व, अक्षय तृतीया का पर्व और यहाँ पर 23 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक जयंती शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके परिप्रेक्ष्य में सभी को सैनिटाइज किया गया है, सबका सहयोग आउट किया गया है और सभी को नियम कानून से अवगत कराया गया है। सर्व शिक्षा अभियान को लापरवाह शिक्षक पलीता लगा रहे हैं, जहां ननिहालों के भविष्य से शिक्षक खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा देने के बजाय कुर्सी पर खड़ाटे लेते रहते हैं शिक्षक। सोते हुए अध्यापक विनोद कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग की जमकर इस पे किरकिरी भी की जा रही है। शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते परिषदीय विद्यालयों की स्थिति बेपटरी हो गई है। खंड शिक्षा अधिकारी शहाबगंज अरविंद यादव ने किसी भी तरीके की शिक्षा विभाग को नहीं सही से संभाल रखा है। वही शिक्षा विभाग लापरवाह शिक्षकों के आगे नतमस्तक हुआ है। वही शहाबगंज विकास खंड क्षेत्र के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बरियारपुर का ये पूरा मामला है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर रोड पर स्थित सिद्धेश्वर गार्डन में शादी समारोह के लिए तैयार किए जा रहे पंडाल में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि सिद्धेश्वर गार्डन में दतिया गेट निवासी एक साहू परिवार की शादी समारोह की तैयारी चल रही थी। जयमाला स्टेज के पास अचानक तेज धुआं निकलने लगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ये धुआं आग में बदल गया। इस पर आसपास मौजूद लोग ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। भाई जी आगरा रेंज ने देर शाम थाना कोतवाली के कृष्णा नगर गोवर्धन चौराहे क्षेत्र में पैदल फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे और अराजक तत्व और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके, साथ ही सुरक्षा लोगों की जा सके उद्देश्य से पुलिस बल के साथ आईजी ने अचानक फ्लैग मार्च निकाला। भाई जी ने बताया कि संगीन अपराध करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।